मैं 14वीं लोकसभा में था जब मैं आया था तब, और 14 वर्ष बाद मैं फिर आया हूँ। जिस वक्त मैं ये कह रहा था कि मैं इसमें शायद ही अब फिर आऊं, तो आए वी ऑल हम चाह रहे थे कि एक ऐसा क्लीन ऑरा का व्यक्ति विशेष हमें देखने मिले जिसके साथ में हम लोग मिले और साथ में जुड़े और वो काम कर पाए जो इससे पूर्व पहले नहीं उस स्पीड में हुआ। अब लग रहा है, अब देखिए मुंबई सिटी जो है वो कैसा क्लीन माहौल है। देखिए एक रास्ता क्लीन हो या एक विषय क्लीन हो तो वो ऐसा लगता है कि वो ठीक वही। अब ये एकनाथ शिंदे साहब हैं, ये वो सब कर पा रहे हैं जो करने के लिए पहले 29-30 वर्ष लगते थे। महाराष्ट्र का एक ये प्रथा थी कि जो काम होगा वो 29-30 वर्षों में होगा। अब ये तुरंत कर पा रहे हैं क्योंकि आपका वैसा ईश्वर ने जगह दी है कि उनका नाम ऊपर वाले ने ऐसे ही तय किया हुआ है तो वो काम कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही प्रोग्रेस जो देश देख पा रहा है 9-10 वर्षों में वो राज्य देखेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ये वर्ली सीलिंग देखा है वैसे ही वो अब देखिए वो बहुत ही गहन विचार का सब्जेक्ट है और थोड़े शब्दों में मैं कह दूं तो ऐसे है कि समझिए जैसे कि दक्षिण वाले करते हैं जो काम किया करते हैं पहले माया से पेश किया जाता है और वो पेशकश कभी गलत नहीं होती। वो जिस तरह से वो लोग कह रहे होते हैं या प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो आप देखिए तब दक्षिण के कलाकार जो है इसलिए टॉप पे हुआ करते हैं, वो सच कह रहे होते हैं, वो साथ देते हैं, आम पब्लिक के बीच में उनके साथ में खड़े रहते हैं। वो वहां के कलाकार के यहाँ पे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती है, न दैविक न भौतिक न सामाजिक किसी प्रकार की नहीं आती। वजह यही है वो जुड़े हुए हैं हम लोगों से और काम कर पाते हैं, या तो जो इस योग्य व्यक्ति हो, क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है महाराष्ट्र का वो इजी नहीं है, बहुत टफ है, और ऐसे व्यक्ति से विशेष से आप जुड़ जाएं जो ऐसे टफ लोगों के साथ में काम कर सकते हैं जैसे आदरणीय बाला साहब रहे आप हैंडल कर पाए। तो मैं हम सभी ने देखा है भैया कि एक दैविक पर्सनैलिटी देखी है। मेरे आदरणीय पिताजी का संबंध बहुत अच्छा था उनके पिताजी के साथ, तो उस वजह से मुझ पे हमेशा उनकी कृपा रही, कभी किसी प्रकार के कष्ट नहीं आया और वो अपने पिताजी को पूजनीय की तरह पूजा करते थे। और माँ पिता के लिए जिस तरह से वो उस एज में डिस्कस करते थे आंख में से आंसू निकल आते थे, तो ऐसे लोग कहाँ आज दिखा देखने मिलते हैं। नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो आया हूं आज यहाँ पे वजह ही यही है कि आप देखिए प्रस्तुतिकरण एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहे जो अच्छा कर दीजिए वो जैसा दिखाना चाहेंगे दिखाएंगे, ठीक है, आप कितना भी अच्छा कर देंगे तो भी वो दिखाना चाहेंगे कि क्या भैया ये ऐसा है ये कमी है वो कमी, पर जो सच है वो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है। आप देखिए क्या शहर अब सुंदर लगता है।